मैक के भी थोड़े बहुत पावर। अच्छा रुक जा मैक, रुक, कहाँ जा रहा है? ऐसे कैसे भागने दूंगा? कॉन्ट्रैक्टर है वो, ठेकेदार है, उन्हें पता है कि हाउ टू हैंडल सच पीपल्स। ये हो रहा है मैक का इंजेक्शन रेडी। इसे दिख रहा होगा पर हमें नहीं दिख रहा। तो अभी फाइनली वीडियो रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 12 PM। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस अभी जस्ट वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर बैठा हूँ, रेंडर हो रही है, थोड़ी देर में रेंडर हो जाएगी 2 मिनट में और फिर अपलोडिंग पर लगा दूंगा यूट्यूब पे। तो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, 10 बजे आ जाती है वीडियो और 12 बज चुके हैं। तो रात बहुत ज़्यादा थक गया था, आधी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी, आधी सुबह उठ के की है भाई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं जल्दी सो गया था। और जो है सोचा तो था कि रात ही कर लूँगा लेकिन हो नहीं पाई, तो चलो कोई बात नहीं, अभी हो चुकी है, 2 घंटे लेट हो गया। एंड बाय द वे गाइस, काम स्टार्ट हो गया है मंदिर पे अब दोबारा से सुबह ही सुबह, और मेरा नाश्ता रेडी हो गया रखा है मैंने, अभी तक नहीं किया, लगभग आधा घंटा हो गया होगा नाश्ता रेडी रखा है मेरा, ठंडा भी हो गया होगा। तो अब लूँगा मम्मी नाश्ता, गुस्सा हो रही थी बहुत देर से मुझे पहले वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट करनी थी ना। हो गया क्या अब? या ठंडी होगी चाय? बिल्कुल निवाई हो चुकी है, ठंडी है एकदम, गर्म करनी पड़ेगी दोबारा। तो आज ब्रेकफास्ट में आलू टमाटर की सब्जी और इधर मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है रेंडरिंग, अपलोडिंग पर लगा देता हूँ। तो अभी जल्दी से शांति से करता हूँ ब्रेकफास्ट और फिर जो है वीडियो अपलोड होते ही इसे पोस्ट करता हूँ टाइटल वगैरह लगा के। तो फाइनली 12:30 बजे हो गई है पोस्ट वीडियो, भाई बहुत टाइम लग गया, बिल्कुल नहाने का मन नहीं कर रहा और नहाना तो पड़ेगा, तो अभी जल्दी से नहा के आता हूँ। सनी भाई मैं तू क्या करवा गया मानेगा डेली खुजा? अच्छा रुक, माने नहीं, हिल रहा है बार बार मैक ने। अरे भाई इसने तो कुछ ज़्यादा ही गहरा कर लिया। बिल्कुल ठीक हो गया था ये और मैक ने फिर खुजा दिया। मैक के भी थोड़े बहुत पावर। अच्छा रुक जा मैक, रुक, कहाँ जा रहा है? ऐसे कैसे भागने दूंगा? मैक के भी थोड़े बहुत बाल काटने पड़ रहे हैं आसपास से। अच्छा, रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा, रुक जा मैक। अच्छा रुक नहीं तू, बदतमीज। बस हो गया, हो गया, बस हो गया, रुक जा, सफाई करा ले एक मिनट, रुक जा। अब हो गया बिल्कुल साफ, चलो जाओ, चलो निकलो। मैक का डॉक्टर मुझे बनना पड़ता है, ये भाई इसने बुरा कर रखा है सच में, ये मैं डेली साफ करता हूँ उसका जख्म और ये डेली खुजा देता है और देख रहे हो कितना बड़ा कर दिया। अब चारों तरफ से बाल काटे हैं क्योंकि इसके जख्म में काफ़ी सारे बाल चिपक रहे थे, तो होपफुली अब ठीक हो जाएगा क्योंकि अब चारों तरफ के बाल कट गए ना तो कोई चिपकेगा नहीं बाल। तो देखते हैं भाई अब दोबारा खुजाए ना बस। चलो साफ सफाई कर दी, मैक के बाल हो गए थे ना काफी इधर उधर, तो अभी जल्दी से मैं नहा लेता हूँ। चलो नहा तो लिया हूँ और ये बाल देखो बिना स्ट्रेटन किए हुए स्ट्रेट हो रखे हैं, रुकते ही नहीं बिल्कुल ही भाई, ये नीचे गिरते रहते हैं बार बार, दिमाग खराब करते रहते हैं। चलो रुक गए रुक गए। मैं अभी अच्छे से रेडी हो गया हूँ और जो लकड़ी वाले भैया हैं वो अभी गए हुए हैं लंच के लिए, तो थोड़ी बहुत देर में आएंगे और फिर उनके साथ मुझे एक बार मार्केट में भी जाना है। एंड बाय द वे गाइस, वो पेंट करने वाले आज भी नहीं आए, पापा बता रहे थे कि पापा ने सिर्फ उन्हें हाफ डे के ही पैसे दिए थे। भाई पापा को एक्सपीरियंस हो चुका है 15-20 साल का, कॉन्ट्रैक्टर है वो, ठेकेदार है, उन्हें पता है कि हाउ टू हैंडल सच पीपल्स, तो उन्हें आइडिया था कि कभी भी भाग सकते हैं, तो उस हिसाब से ही पैसे दिए थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरी हो, आ जाएं टाइम से, तो मैं कुछ ऐसी कमेंट नहीं कर रहा कि आप तक इसकी क्या मजबूरी हो, तो देखते हैं आएंगे नहीं आएंगे, नहीं तो फिर अगर 1-2 दिन और नहीं आए तो पापा फिर दूसरे लोग को रख लेंगे काम करने के लिए। अभी चलते हैं मार्केट, कुछ मंदिर का सामान लेके आना है, तो भैया जा रहे हैं साथ में क्योंकि भैया को पता है कौन सा सामान कहाँ मिलेगा। Thank you.
ये है गोदाम लकड़ियों का। ये गोदाम एक तो ये वाला डिजाइन देखा था जो मोल्डिंग का है और भैया निकाल रहे हैं उधर से। चलो सामान तो ले लिया है, अभी निकलते हैं। पोस्ट तो गए हैं घर, बाल बाल सब बिखर गए। मैं पकड़ पकड़ उस देखो रे बाहर बंदर है बाहर, जल्दी जा चल पकड़ बाहर 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 चलो बाहर 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 चलना है बाहर। अंदर आ गया चल मैं एक बार चलो चलो। ये हो रहा है मैक का इंजेक्शन रेडी। मैक चलो बाहर खड़ा हो जा जल्दी, खड़ा नहीं होगा तू पिट के खड़ा होगा, खड़ा हो ले बेटा। चलो 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 बाहर चलो बाहर चल चलो बाहर चल 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 चलो। अब भी तो चल रहा प्यार से, चल 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 रुक मत चल चल चल। तो साफ हो गया काफी, चलो लगा दो इंजेक्शन। पकड़ रखा है तो ये कुछ ना कहना। आया मजा है वे, मजा है इंजेक्शन लगवा के। और मत खुजाइए अपनी, फिर लगेगा इंजेक्शन तेरे, समझ गया। तो फाइनली मैक को बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन लगा दिया है, अब उसका जो घाव है जल्दी रिकवर होगा, मतलब सूख जाएगा जल्दी वो, क्योंकि खुजाता है ना बार बार तो उसको इचीनेस फील होती है, तो उसे इचीनेस फील नहीं होगी और वो जल्दी सूखेगा। और मंदिर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो अभी अंदर जाकर दिखाऊंगा, अभी थोड़ी ठुक ठुक चल रही है तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा अंदर जाने का, अभी भी चल रही है। तो भाई मंदिर लगभग पूरा ही रेडी हो गया, ऊपर की बस थोड़ी मोल्डिंग वगैरह लगनी है और नीचे के कैबिनेट्स वगैरह लगने हैं, और काफ़ी सुंदर लग रहा है सच में। और लाइट्स वगैरह लगने के बाद तो भाई साहब ज़बरदस्ती लगेगा बिल्कुल। तो ऊपर की साइड जो है दो छेद होंगे और फिर उनमें लाइट्स लग जाएंगी छोटे वाली कंसील्ड जो होती है, और देखो कितना सुंदर लग रहा है सच में भाई, मज़ा ही आ गया देख के। आज तो पूरा हो जाएगा भैया, हो जाना चाहिए आज तो। किसी ने बंद कर दिया बाहर से पता नहीं। हाँ गुड़िया गेट खोल देना एक बार, ये पता नहीं कोई बंद करके चला गया शायद, खुल गया। चलो थैंक यू, पता नहीं शायद कोई बच्चा वगैरह बैठे होंगे और बाहर से कुंडी लगा के चले गए। तो मैं तो अभी जिम के लिए निकला हूँ, टाइम हो गया अराउंड 5, तो भाई नींद आ गई थी काफ़ी, तो मैंने सोचा कि भाई जिम करके आ जाता हूँ, पता चला अगर सो गया तो शाम पूरी निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा और जिम फिर रह जाएगा, तो अभी इसलिए जल्दी निकल गया मैं। फिर भाई तभी मैं जिम से तो आ गया था और अभी जा रहा हूँ एक बार चाचा की तरफ, वो एक्चुअली बड़े वाली फ्रूटी की बोतल लेके आनी है उधर की साइड से, और मैं सोच रहा हूँ साथ के साथ बाबा और मादी से ही मिलके आ जाऊँगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उधर की साइड गए हुए। और बड़ी वाली बोतल इसलिए लेके आनी है फ्रूटी की क्योंकि डॉक्टर ने बोला है शुभम को फ्रूटी पीने के लिए, तो उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो उसी वजह से लेने जा रहा हूँ। तो अभी निकलते हैं। माँ जी 2 लीटर की तो शायद खत्म हो रही है, क्या करे अब्बा है ना, है ही नहीं, मैंने चेक कर ली, नहीं नहीं रहने दो, 2 लीटर की चाहिए थी। चलो छोटे वाली ले लेते हैं फिर, ये शायद 1 लीटर में होगी। हाँ माँ जी नमस्ते, बाबा नमस्ते, घुड़चढ़ी की तैयारियां चल रही हैं। ले शुभम,
वैसे ये फ्रूटी सा चीज़ जो है स्लाइस लगती है पीने में, लेकिन ये हेल्थ के लिए काफ़ी ठीक रहती है, तो थोड़ी हम भी पी लेते हैं। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और इस चिपकली को देखो यहाँ क्या कर रही है, मच्छरों की ताक में है इधर ये बेटी भाई, बड़ी खतरनाक है, तो बिल्कुल पास में ही है, कूद के इधर ना जाए मेरी तरफ। कहाँ गई कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है, इसे कुछ तो दिख रहा है, ये बच्चा ढूंढ रही है भाई, मच्छर है क्या उधर, कोई मच्छर तो नहीं है, इसे दिख रहा होगा पर हमें नहीं दिख रहा, गिरने को हो रही है, तो हिम्मत ही मार रही है, शीशे पे कैसे चढ़ेगी, शीशे पे तो फिसलेगी ना, ये नहीं फिसल रही, फिसल रही है, सेल्फी स्टिक से इसे भगाना पड़ेगा। भाग जा, अब दिख मत जाइयो, परेशान मत कर। सो गाइज, समय की नज़ाकत को समझते हुए आज हमने एडिटिंग काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर ली, 9:55 हो चुके हैं, और जो है डिनर वगैरह सब हो ही गया था, घिया की सब्ज़ी बनी थी आज, और सुबह में चला गया है फिलहाल ऊपर क्योंकि उसे नींद आ रही थी, फिर वो डिस्टर्ब हो रहा था मेरी एडिटिंग करने की वजह से, मम्मी देख रही है बैठक में टीवी, पापा भी सो गए हैं, और सौरभ जो है दिल्ली से आ गया था, उसे कॉलेज में कुछ काम था तो वो उसका ख़त्म हो गया था, वो वापस आ गया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, और फिर वो किसी की शादी में चला गया, अपने फ्रेंड वगैरह की शादी होगी उसकी, और जो है एडिटिंग तो कंप्लीट हो ही गई थी। तो गाइज अभी कर देते हैं व्लॉग को एंड, एंड आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।